Hey guys, what's up? Welcome back to another video. लेके आज की तुम लोग के लिए एक और रिएक्शन वीडियो। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं JJ47 एक्स किड शॉट के गाने के ऊपर। तो बेसिकली गाना आ रखा है और अभी के लिए पता चला है, किसी ने मुझे बता रखा है कि इसके ऊपर शॉट्स लिए गए हैं कलमकार के ऊपर। पर क्यों, देखते हैं कि आखिर क्या किस टाइप का शॉट लिया गया है। और बहुत हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही कलमकार जो डिसबैन होते जा रहा है, आर्टिस्ट छोड़ते जा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे बात वापस से मिलके आती है। तो लेट्स सी कि आखिर इस गाने में क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। ओके, किड शॉट एक्स JJ47, गाने का नाम है क्रिमिनल और ऑफिशियल लिरिकल वीडियो है ये। तो स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या प्रिंट आ रही है पे, लेट्स गो क्रिमिनल। ये सैंपल लिया गया है क्या? बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल दिखाई दे रहा है, मतलब बॉलीवुड ओल्ड। हाँ ए एनीमे भी देगी ना ऐसे ही ये जवानी। भाई ये क्या बैकग्राउंड बीट चल रही है, ये क्या मिक्सिंग हुई है भाई साहब। हेलो, म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन है? थोड़ा आवाज़ तेज करते हैं, ठीक है आवाज़ तेज करते हैं स्टार्टिंग से। भाई मेरे को बताना है कि ये किसकी सैंपल लिया गया है, किस गाने का। देगी ना ऐसे ही ये जवानी। यो। वो बोलते मैं पढ़ा लिखा अडानी, बड़ी उम्र तेरी पर तू मुझसे बड़ा नहीं, अपना काटे गला यहाँ कोई किसका सगा नहीं। पूरा बैकग्राउंड से और ये वाले वर्स, मतलब जो फ्लो चल रहा है उससे यही लग रहा है कि भाई बहुत सीरियस मैटर है, कुछ भी है जो भी है बहुत सीरियस है, ठीक है। और आतंकवादी बने हुए हैं, एकदम पैसे उसे लूटे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर वगैरह हाथ में है। तो देखते हैं आगे क्या सीन है। खुद के लिए खड़ा तभी दूर हुई बला, कौन यहाँ किससे जला, कौन करे किसका भला। माँ बोले पिटा कितने साल से नहीं लड़ा, एक हाथ करे कांड दूसरे हाथ को नहीं पता। कोई नहीं जाने क्या है खोपड़ी के नीचे, दूर से क्या बोला आजा जरा भोसड़ी के नीचे। कोट का है के ये तो लोमड़ी के नीचे, क्या कमाएगा तू ब्रेड तेरे टोस्ट ही नहीं पीके। भाई किसी के ऊपर ये प्रॉपर डिस है क्या, मतलब किसी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नहीं जाने क्या है खोपड़ी के नीचे, दूर से क्या बोला आजा जरा भोसड़ी के नीचे। गोट काहे के ये तो लोमड़ी के नीचे, गोट काहे के ये तो लोमड़ी के नीचे। गोट कौन है, गोट कौन है, गोट क्या बचे जब लेबल को चलाना तुम खुद ही नहीं सीखे। देखा ये रफ्तार भाई के ऊपर है क्या, थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे रफ्तार भाई को कुछ लोग तो गोट बोलते हैं ऐसा मैंने सुन रखा है। तो भाई मतलब ये क्या लेबल वाली बात है, तो यही लग रहा है कि लेबल नहीं चला पा रहे हैं, सारे आर्टिस्ट भाग जा रहे हैं, तो रफ्तार भाई के ऊपर शॉर्ट्स लिए गए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ लिए गए हैं। भाई मैं भी तो नॉर्मल एक बंदा ही हूँ ना, ऑडियंस अंदर की बात तो मैं भी नहीं जानता। स्टार्ट करते हैं आगे, देखते हैं कि और भी कुछ है क्या। What you mean artist नहीं बचे जब लेबल को चलाना तुम खुद ही नहीं सीखे। भोकने वाले यहाँ पर है बहुत से कमीने, अभी पैसे है कमाने तो अब बहुत से तरीके। बचपन से क्रिमिनल दो सारे सिमिलर, पुल अप इन द सिटी लाइक अ मिनिस्टर। मिले मुझे हेट बट वी फील इन लव, ये वी फील इन लव, ये वी फील इन। बचपन से क्रिमिनल, यार ड्रॉप देना था यार, यहाँ पे ड्रॉप देना था एक बहुत तगड़ा वाला बूम वाला, पर यार वो ड्रॉप नहीं दिया गया, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत। भाई यही यही ड्रॉप दे देते ना भाई मजा आ जाती। दो सारे सिमिलर, पुल अप इन द सिटी लाइक अ मिनिस्टर। यो, मिले मुझे हेट बट वी फील इन लव, फील इन लव, ये वी फील इन लव, ये वी फील इन। बचपन से क्रिमिनल, दो सारे सिमिलर, पुल अप इन द सिटी लाइक अ मिनिस्टर। मिले मुझे हेट बट वी फील इन लव, ये वी फील इन लव, ये वी फील इन। दिखे आंखों में तू लड़ता काए, अभी जानता हूँ सब तो कोई पर्दा काए। ये नहीं तेरा शहर तू अकड़ता काए, तो फिर पीछे रह तू लोड़े सर पे चढ़ता काए। कलाकार अमर कभी मरता काए, मौत तो है आनी तो फिर। यार भाई राइटिंग और अच्छी हो सकती थी यार, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। बैकग्राउंड में जो फ्लो चल रहा है, मतलब फ्लो बता रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड में जो बीट चल रही है भाई उस पे तो भाई ड्रिल हो जाए भैंस की आंख, भाई वो वाली सीन हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है भाई। ये बहुत साला
एक लोफी बीट होती है ना, उसके ऊपर ये वाले लिरिक्स गाओ, बहुत सही लगेगा। लेकिन जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, जो सैंपल लिया गया है, वो इसके ऊपर जच नहीं रहा है भाई। इसे तो मैं सैंपल वेस्ट कहूंगा, सच बता रहा हूँ। ये नहीं तेरा शहर, तू अकड़ तकाए तो फिर पीछे रह, तू लोड़े सर पे चढ़ तकाए। देखा के भाई, यहाँ पे तो ऐसा अगर कोई कृष्णा भाई को दे दो, या फिर तुम कह सकते हो कि किसको दे दे, मतलब जो भी है, मतलब दे दो साला, वो आतंक ढा दे बे, मॉशपिट हो जाए। कलाकार अमर कभी मरता काए, मौत तो है आनी तो फिर डर तकाए, मेरा घर तकाए, दिल भर तकाए, लगे दाग सीने पे वो हट तकाए, तुम भाग भी नहीं सको कभी गन से आगे, पहनेगा क्या तू कफन से आगे, और जहां भी हूँ खड़ा हूँ लगन से आगे, तुम बढ़ ही नहीं सके हो किचन से आगे, प्लेट रहे गरम तभी भूख ही ना लगे, सुबह शाम रहता स्टूडियो में धूप ही ना लगे, लिखता ही नहीं जो मुझे खूब भी ना लगे, ऐसा वर्स ही ना करूं जिसका लूप ही ना लगे। वो बचपन से क्रिमिनल, बट लिखता ही नहीं जो मुझे खूब ही ना लगे, ना लगे ऐसा वर्स ही ना करूं जिसका लूप ही ना लगे, ऐसा वर्स ही ना करूं जिसका लूप ही ना लगे। शायद मैं बहुत ज्यादा डम्ब हूँ, या तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बचपन से क्रिमिनल, दोस्त सारे सिमिलर, पुल अप इन द सिटी लाइक अ मिनिस्टर। ये चीज भी थोड़ा सा अच्छी हो सकती थी, क्योंकि देखो यार, सबकी राइटिंग बेस्ट होती है, लेकिन बीट के हिसाब से अभी मेरे को नहीं अच्छी लग रही है। थोड़ी सी बीट और बीट सिलेक्शन में दिक्कत हुई है, या फिर अगर लिरिक्स ये वाले थे, या फिर ये जो चीज़ें बातें हो रही हैं वो किसी और बीट के ऊपर अच्छी लगेंगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। तो नो हेट टू एनी वन, पर ये जो लगा मेरे को मैंने बोला, और देखते हैं, थोड़ा बहुत और बाकी है, मिले मुझे हेट बट वी फेल खत्म इन लव। खत्म है बस, मतलब यही है कि हो सकता था बढ़िया, अभी नहीं मिला। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कुछ बढ़िया सा, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा JJ47 और किड शॉर्ट की तरफ से। और आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जो मेरे को लगा वो मैंने बोला है। अगर तुम लोग को भी ऐसा फील होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, और मिलते हैं तुमसे ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में।